प्रतिवर्ती चाप, रिफ्लेक्स आर्क। आज हम इसका चित्र बनाना सीखने वाले हैं। इसकी शुरुआत हम इस जगह से करेंगे। हम कल्पना करें कि एक एप्पल है जिस पे कोई तितली इस प्रकार से बैठी है। तो एप्पल बनाने के लिए हम कंपास, कॉइन, रिंग या बोतल का ढक्कन भी ले सकते हैं या कोई और गोलाकार वस्तु भी ले सकते हैं। तो हमने लिया यहाँ पर एक कॉइन। कॉइन को कुछ इस प्रकार हम रखेंगे। फिर हम तीन लाइंस को थोड़ी थोड़ी स्पेस देकर बनाएंगे। अब इस कॉइन को अपने राइट हैंड साइड की तरफ थोड़ा सा स्लाइड करते हुए फिर से इसी प्रकार की तीन लाइंस और बनाएंगे। याद रहे, सर्कल पूरा ड्रॉ नहीं करना है, बीच में कुछ जगह हमें स्पेस छोड़नी भी है। सर्कल के ऊपरी सिरे को और निचले सिरे को कुछ इस प्रकार से हम बंद कर देते हैं। इस आकृति के राइट हैंड साइड पर एक डॉट लगाते हैं। इसी प्रकार इतनी ही दूरी पर हम लेफ्ट साइड भी एक डॉट और लगाएंगे। अब गोलाकार आकृति से इस डॉट की तरफ एक पत्तीनुमा आकृति हम ड्रॉ करेंगे जो दोनों ओर हमको इस प्रकार से दिखाई देगी। अब इन पत्तीनुमा आकृति के सिरों की ओर कुछ ये आकृति बनाकर इन पत्ती को हम कवर कर देंगे। अब हम उस एप्पल पर बैठी हुई तितली के जैसे दिखने वाली संरचना को ड्रॉ करेंगे जो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। अब कुछ छोटे सर्कल और एक छोटी सी लाइन और एक और सर्कल बनाते हुए एक अंदर आती हुई लाइन और एक बाहर जाती हुई लाइन को फोल्ड करते हुए बाहर की ओर निकाल कर हम इस जगह पर लाकर रोक देते हैं। एक नीचे वाली लाइन थोड़ी छोटी और ऊपर वाली लाइन थोड़ी बड़ी रहेगी। अब हम बनाते हैं एक मानव हाथ। इस हाथ को बनाने का तरीका बड़ा आसान है। आप एक बार इसको ध्यान से देखेंगे, आसानी से आप इसे सीख सकते हैं। फिर हम बनाएंगे एक पात्र जिसके अंदर कोई गर्म पदार्थ रखा हुआ है। अब हम कुछ एरोज़ बनाएंगे जो हमें इंडिकेट करेंगे कि संकेत किस ओर जाने वाले हैं और किस ओर से आने वाले हैं। इस प्रकार ये प्रतिवर्ती चाप का चित्र बनकर तैयार होता है। रिफ्लेक्स आर्क प्रतिवर्ती चाप का कार्य मानव शरीर में क्या होता है? तो हम उस घटना को याद करें जब किसी गर्म वस्तु को हम छू लें। छूते ही हम तुरंत अपने हाथ को हटा लेते हैं। तुरंत हटाने की प्रक्रिया प्रतिवर्ती चाप के द्वारा ही संपन्न होती है। इसमें कुछ रिसेप्टर होते हैं जिसको हम ग्राही कहते हैं, जो ऊष्मा या दर्द का अनुभव त्वचा के द्वारा, स्किन के द्वारा करते हैं, जिसके संकेत संवेदी न्यूरॉन द्वारा मेरुरज्जु स्पाइनल कार्ड तक पहुँचते हैं। स्पाइनल कार्ड में प्रतिसरण तंत्रिका कोशिका होती है जिसे रिले न्यूरॉन्स कहते हैं। वहाँ से उद्दीपनों का आकलन करके प्रेरक न्यूरॉन को संकेत दिया जाता है और प्रेरक न्यूरॉन कार्यकर पेशी या इफेक्टर जो मसल्स में पाए जाते हैं उनको संकेत देते हैं। इसलिए हम अपना हाथ तुरंत वहाँ से हटा लेते हैं। इस प्रकार बनकर तैयार होता है प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स आर्क।